आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि वो सिम्टम्स जो आप फर्स्ट वीक में आप जानना चाहेंगी, चाहे आपका पीरियड मिस होने के कुछ ही दिन या फिर थोड़े ज़्यादा दिन पहले के ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं सारे सिम्टम्स बताऊंगी वो आप में मैच हो जाएंगे, बट इस वीडियो के अंदर मैं पूरे 10 सिम्टम्स बताने वाली हूँ, जिनमें से अगर आपके 3-4 या हार्डली 5 सिम्टम्स भी मैच होते हैं, आप ये मान सकती हैं कि आपने कंसीव किया हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे, जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 से 7 दिन के अंदर ही शो होते हैं, बिकॉज जो स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है माँ के शरीर के अंदर, तो इन चीज़ों में कुछ टाइम लग जाता है, जिस कारण हमें 1 वीक के बाद ही कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं। अब देखिए, कुछ लेडीज़ होती हैं जो खुद के अंदर के जैसे टेम्परेचर हो गया या बहुत सारे सिम्टम्स नोटिस करते रहती हैं, तो वो इजीली पता लगा लेती हैं कि वो कंसीव कर चुकी हैं। तो क्या आपने भी कंसीव किया है? तो उन सारे लक्षण जो कि दिखने चाहिए, जो कि बहुत ही फेमस मायने में होते हैं, तो उन सभी का मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ। गाइस, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये चैनल जो है ये प्राइम जोन चैनल है, आप लोग इस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने प्राइम मॉम चैनल को प्यार दिया है। तो मेक श्योर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट लक्षण की मैं बात करूं तो ऐसा हो जाता है कि जब भी आप कंसीव करते हो तो अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहता है, या ये दर्द पीरियड जैसा भी हो सकता है। ये जो दर्द है ये हल्का आपको लोअर एब्डोमेन में होता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी पाई गई है। सेकंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो लाइट ब्लीडिंग ड्यू टू इम्प्लांटेशन होने के कारण, किसी किसी को लाइट ब्लीडिंग होती है, हर किसी को नहीं होती है, बट मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोग अगर नोटिस करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों ने इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर बताया है। तीसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत कुछ लोगों में आ जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो ब्रेस्ट होता है उसका टेंडर होना, या फिर ब्रेस्ट के चारों तरफ थोड़े से डार्क जैसे सर्कल दिखना, ये भी एक सिम्टम्स पाया गया है अर्ली प्रेगनेंसी का। पांचवे सिम्टम्स की बात करूं तो टेस्ट का जो होता है वो कड़वा होना, कुछ लोगों में ये चीज़ें हो जाती है। 7 पॉइंट की बात करूं तो एक्सट्रीम हंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि उस टाइम में जब आप कंसीव करते हो, जब आपका इम्प्लांट होता है उस टाइम में आपका जो बॉडी होता है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, जिसके कारण बहुत ही आपको भूख लग सकती है। अगर 8 पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया था कि जो मेरे नेल्स थे वो टूटने लगे थे, बिकॉज डायरेक्टली कैल्शियम की कमी स्टार्ट हो जाने लगती है जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, तो आगे चल के डॉक्टर्स आपको कैल्शियम आयरन की गोलियाँ ज़रूर सजेस्ट करेंगे। 9 पॉइंट की बात करूँ तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम में, बिकॉज बॉडी के फंक्शनल और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा होता है। 10 पॉइंट की बात करूँ तो नौसिया, यानी कि जी मतलाने वाली प्रॉब्लम कुछ लेडीज़ को हुई है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 10 पॉइंट्स ओवरऑल, आप इनमें से मैच करा सकती हैं। मैं ऑब्वियस है, मैं चाहूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी हो और आपने कंसीव कर लिया हो, इन सारे लक्षण को मैच करा के पूरे अच्छे तरीके से आप खुद भी समझ सकती हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।